आज के लेक्चर का टॉपिक है भारत और विदेशों में क्रांतिकारी। क्रांतिकारी और उग्रवादी। जिस समय भारत के राजनीतिक रंगमंच पर कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा था, उस समय देश में एक दूसरी विचारधारा भी पल्लवित हो रही थी और वह थी क्रांतिकारी विचारधारा। इस विचारधारा के अनुयायियों की नीति क्रांति की थी। उग्रवादी हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं थे, जबकि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी ब्रिटिश शासन का अंत करने के लिए हिंसा, लूट, हत्या जैसे किसी भी साधन का प्रयोग करना उचित मानते थे। क्रांतिकारी आतंकवाद, उग्रवाद, राष्ट्रवाद का ही एक पक्ष था, किंतु कार्य पद्धति की दृष्टि से यह राजनीतिक उग्रवाद से सर्वथा भिन्न था। उग्रवादी उदारवादियों की भिक्षावती की नीति से असंतुष्ट थे, अतः स्वराज प्राप्ति हेतु कुछ प्रभावशाली उपाय आवश्यक मानते थे, इसलिए वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय असहयोग का समर्थन कर रहे थे। लेकिन उग्रवादियों का संघर्ष शांतिमय था और उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। इसके विपरीत क्रांतिकारियों का विश्वास था कि शांतिमय संघर्ष से ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अतः वे हिंसा व आतंकवाद में विश्वास करते थे। सामान्यतः उनके आक्रोश का निशाना क्रूर अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश शासन के अंधभक्त भारतीय अधिकारी, कर्मचारी तथा क्रांतिकारियों की गतिविधियों की सूचना देने वाले भारतीय मुखबिर हुआ करते थे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव। सामान्यतः ये माना जाता है कि जब उग्रवादी आंदोलन के विरुद्ध ब्रिटिश शासन का दमन चक्र शुरू हो गया, तब कुछ देशभक्तों के पास क्रांतिकारी आंदोलन के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प रहा ही नहीं था, इसलिए भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन इसमें केवल आंशिक सत्यता है, क्योंकि भारत में उग्रवाद के उदय के पूर्व ही क्रांतिकारी आंदोलन का बिगुल बज चुका था। बहावियों द्वारा सितंबर 1871 में कलकत्ता में मुख्य न्यायाधीश नॉर्मन की हत्या और फरवरी 1872 में अंडमान में वाइसराय लॉर्ड मेयो की हत्या आतंकवाद की पहली घटना थी। 1876 ईस्वी में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घटना ने आतंकवाद को और भी बढ़ावा दिया था। भारत में आतंकवाद ने संगठित रूप 19वीं सदी में के अंत तक और 20वीं सदी के आरंभ में धारण किया। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन शिरोल लिखते हैं कि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन पश्चिम के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी और उसे कट्टरवादी हिंदुओं ने प्रेरित किया था। गुप्त संगठन जो हिंसा का प्रचार करते थे, धर्म से प्रेरणा लेते थे। शिरोल ने यह भी लिखा कि दक्षिण का ब्राह्मणवाद अत्यंत लड़ाकू था और तिलक इसके नेता थे, किंतु शिरोल का यह कथन पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि पंजाब और बंगाल में गैर ब्राह्मणों ने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। अयोध्या सिंह का मानना है कि रूस और आयरलैंड के आतंकवादी आंदोलन ने भारत के आतंकवादी आंदोलन को पैदा करने और संगठित रूप देने में बड़ा काम किया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण। भारत में क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन का उदय प्राय उन्हीं कारणों से हुआ जिनके कारण उग्रवाद का उदय हुआ था। उग्रवादियों के विरुद्ध सरकार की दमनकारी नीति तथा कुछ अन्य ऐसी घटनाएं से विशेष बल प्रदान किया। क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारण विशेष रूप से जिम्मेदार थे। पहला, उदारवादियों के संवैधानिक उपायों और उनकी असफलता के कारण भारतीय नवयुवकों में वैधानिक मार्ग के अवलंबन पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा। उन्हें यह विश्वास हो गया कि सरकार के समक्ष गिड़गिड़ाने और हाथ पैर जोड़ने से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वतंत्रता देने वाली नहीं है। इसके लिए शक्ति संचय करके क्रांतिकारी उपायों का अवलंबन करना होगा। भारत स्थित अंग्रेजों में दहशत पैदा करनी होगी। सेकंड, 19वीं सदी के अंतिम चरण में चारों ओर आर्थिक असंतोष को
की लहर व्याप्त थी। अकाल और महामारी के कारण जनता की निर्धनता बढ़ती जा रही थी। आर्थिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देते हैं। न्यायालय में वासुदेव बलवंत फड़के ने अपने बयान में कहा, भारतीय आज मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। ब्रिटिश सरकार ने जनता को इतना अधिक कुचल दिया है कि वे सदा अकाल और खाद्य पदार्थों की कमी से दुखित रहते हैं। जहाँ कहीं भी दृष्टि डालो, वहीं पर ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जिनमें हिंदू और मुसलमानों के सिर लज्जा से झुक जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन ने भारत के आर्थिक शोषण की जो नीति अपनाई थी, उससे लोगों में भारी असंतोष फैला और अकाल तथा प्राकृतिक प्रकोपों के समय में सरकार द्वारा जनता को राहत देने संबंधी ठोस उपाय न किए जाने से आर्थिक असंतोष गहराता गया और इसी असंतोष ने लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। तीसरा कारण है, क्रांतिकारी आंदोलन विशेषकर मध्यम वर्ग में फैला, जिसमें अधिकांशतः पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे। उनमें भी अधिकांश नवयुवक बेरोजगारी के शिकार थे। सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने मध्यम वर्ग को भी बुरी तरह से प्रभावित किया और उसे समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा था। अनेक मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी रेखा की तरफ झुकने लगे थे। ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग के नवयुवकों में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश पनपना स्वाभाविक ही था। कांग्रेस की निरंतर असफलताओं ने इन नवयुवकों के आर्थिक स्वप्नों को चकनाचूर कर दिया। वस्तुतः कांग्रेस की असफलता ने ही इन नवयुवकों को क्रांतिकारी प्रवृत्ति पैदा कर दी। ये क्रांतिकारी भावना स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा तथा भावी सुख जीवन में स्वप्न से प्रेरित थी। चौथा कारण है, भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के संबंध में यह कहना उचित होगा कि यह सरकार की दमनात्मक नीतियों का एक स्वाभाविक परिणाम था। इस संबंध में मॉडर्न रिव्यू ने लिखा था, आतंकवाद के अंतिम कारण को सरकार की 16 आने स्वार्थी स्वेच्छाचारी और अत्याचारी नीति में खोजना होगा। पत्र ने आगे लिखा है कि ब्रिटिश शासकों ने जब राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए जारशाही के निरंकुश तरीकों को अपनाया, तो क्रांतिकारी ने उसका मुकाबला करने के लिए रूसी आतंकवादियों का रास्ता अपनाया। क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन की नीतियां ने क्रांतिकारी आंदोलन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। उसके शासनकाल में 2 बार अकाल हुए। अकाल राहत कार्यों में उसकी सरकार एवं अधिकारियों का दृष्टिकोण अत्यंत कठोर अमानवीय देखने को मिलता है। उसने कलकत्ता नगर निगम अधिनियम पारित कर निगम की स्वायत्तता छीन ली, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर भारतीय विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया, प्रजाति विभेद नीति को और अधिक उग्र बना दिया और बड़े दंभ के साथ घोषणा की कि केवल अंग्रेज ही भारत पर शासन करने के योग्य हैं तथा ईश्वर ने अंग्रेजों को भारत पर शासन करने के लिए चुना है और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसकी नीतियों के विरोध में जो आंदोलन चला, सरकार ने उसको कठोरतापूर्वक दमन कर दिया, जिसके प्रतिक्रिया रूप क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म अनिवार्य हो गया। और भारत सचिव लॉर्ड मॉर्ले ने वायसराय को लिखा था कि राजद्रोह और अन्य अपराधों के संबंध में जो दिल दहलाने वाले दंड दिए जा रहे हैं, उनके कारण में अत्यंत चिंतित हूँ। हम व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था लाने के लिए घोर कठोरता के उपाय से सफलता नहीं मिलेगी। इसका परिणाम उल्टा होगा और लोग बम का सहारा लेंगे। भारत सचिव का अनुमान सही था। डॉक्टर परमात्म शरण ने लिखा, 1907 और 1908 में बने राजद्रोहात्मक सजा अधिनियम, समाचार पत्रों के अधिनियम तथा अन्य दमनकारी कानूनों ने किसी भी अन्य प्रकार का राजनीतिक आंदोलन सिवाय उसके जिसे नौकरशाही सहन कर सकती थी, खुले रूप में जलाना असंभव बना दिया। अतः बंगाल में विशेषकर तथा अन्य प्रांतों में भी क्रांतिकारी संगठन बने, जो छिपकर अपना कार्य करते तथा प्रचार करते थे।
इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन के उदय और विस्तार के मूल में सरकार की प्रतिक्रियावादी दमन नीति थी। स्वयं मॉन्टेग्यू ने भी यह स्वीकार किया था कि दंड संहिता की सजाओं और चाकू चलाने की नीति ने साधारण और बिगड़े नवयुवकों को शहीद बनाया और विप्लवकारी लोगों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। क्रांतिकारी आंदोलन के उद्देश्य। प्रारंभिक क्रांतिकारियों का भावी कार्यक्रम स्पष्ट नहीं था। वे सिर्फ इतना ही जानते थे कि ब्रिटिश शासन को संवैधानिक आंदोलन के माध्यम से उखाड़ा नहीं जा सकता। वे यह भी जानते थे कि कुछ बमों के बल पर ब्रिटिश साम्राज्यों को भारत से मारकर भगाया नहीं जा सकता। कुछ अंग्रेजों की हत्या कर देने से भारत स्वाधीन नहीं होगा। फिर भी वे इस मार्ग को जरूरी समझते थे ताकि इससे भारतीयों के अंदर देश की स्वतंत्रता के लिए साहसपूर्ण काम करने और मरने की भावना पैदा होगी। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष ने कहा था, कुछ अंग्रेजों को मारकर अपने देश को मुक्त करने की न तो हम आशा करते हैं और न हमारा वैसा मतलब ही है। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार साहसपूर्ण कार्य करना और मरना चाहिए। इसकी पुष्टि फांसी के पहले अपने ऊपर चले मुकदमों के दौरान अदालत में मदनलाल धींगरा के बयान से होती है। उसने कहा, मेरे जैसे निर्बल पुत्र के पास माता को भेंट चढ़ाने के लिए अपने रुधिर के अतिरिक्त कुछ नहीं। मैंने वही भेंट दे दी। भारत में आज एक ही पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है और वह यह कि मरा कैसे जाता है, और उसे सिखाने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम स्वयं मर कर दिखाएं। डॉक्टर सत्य एम रॉय ने लिखा कि आतंकवादियों में इस समय दो विचारधाराएं थी और उसके क्रियाकलापों के दो केंद्र। कुछ नेता अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन करने के लिए भारतीय सेना की और यदि संभव हो तो अंग्रेजों की विरोधी विदेशी ताकतों से सहायता लेना विश्वास रखते थे। दूसरी विचारधारा के नेता देश में हिंसात्मक कार्यक्रम जैसे कि ब्रिटिश अफसरों पुलिस क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध सूचना देने वाले लोगों का कत्ल करने की नीति में विश्वास रखते थे। पहली विचारधारा को पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में और दूसरी विचारधारा को बंगाल और महाराष्ट्र में समर्थन मिला। दूसरे चरण में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का स्वरूप कुछ भिन्न था। पहली बार उन्होंने आज़ादी के बाद समाजवादी समाज स्थापित करने की घोषणा की और गांधीवादी विचारधारा का विकल्प लोगों के सामने रखा। क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वक्तव्यों से स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारी जहां देश को पराधीनता से मुक्त करना चाहते थे, वहीं वे देश में सच्चा लोकतंत्र भी स्थापित करना चाहते थे और सभी प्रकार की आर्थिक व सामाजिक असमानताओं का अंत करना चाहते थे। परंतु इस दिशा में विस्तृत एवं व्यापक चिंतन करने का उन्हें समय ही नहीं मिला। क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार को द्रुतता और शक्ति पर आधारित एक जघन्य संस्था समझते थे, अतः उन्हें हिंसात्मक कार्य द्वारा सरकार का विनाश करने में कोई संकोच नहीं था। वे तो इसे उचित मानते थे। वे लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेज अधिकारियों तथा देशद्रोहियों को हत्या करना तथा सरकारी खजाने को लूटना अपराध नहीं मानते थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत हत्याओं और डकैतियों में विश्वास नहीं था। व्यक्तिगत स्वार्थवश उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को न तो लूटा और न हत्या की। उनका उद्देश्य समाज में आतंक फैलाना नहीं था, बल्कि अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों के मन में आतंक पैदा करना था। उन्हें यह चेतावनी देना था कि यदि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थकों के साथ बर्बर व्यवहार किया तो उन्हें क्रांतिकारियों की गोलियों का निशाना बनना पड़ सकता है। क्रांतिकारियों का मानना था कि राजनीतिक बंधनों से जकड़ा हुआ जीवन मृतप्राय है, इसलिए व्यक्ति को अपनी शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वयं को पराधीनता से मुक्त करना चाहिए। पराधीन व्यक्ति को तो स्वप्न में भी सुख नसीब नहीं हो सकता। आज के लेक्चर का टॉपिक है भारत और विदेशों में क्रांतिकारी। क्रांतिकारी और उग्रवादी।
जिस समय भारत